हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बिहार के शिक्षकों की प्रशिक्षण की। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अभी बिहार के जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो नियोजित हो, बीपीएससी हो या फिर जो है नियमित शिक्षक हैं, उन सभी ने अभी अभी जो है FLN प्रशिक्षण लगभग सभी शिक्षकों ने ले रखा है। और किन्हीं ने तो दो बार यहाँ पर ले लिया है अभी तक। प्रशिक्षण की बात करिएगा तो यहाँ पर आप लोग के लिए एक नए प्रशिक्षण का फिर से ऐलान हो चुका है, जो कि FLN के अतिरिक्त होगा। तो हम लोग इस वीडियो में उस प्रशिक्षण के विषय में जानकारी लेंगे और किन शिक्षकों को यह प्रशिक्षण लेना है, पूरे के पूरे 6 लाख शिक्षक इसके तहत आते हैं या नहीं आते हैं, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को इसके विषय में जानकारी मिले। तो चलिए हम लोग अगले स्लाइड में चलते हैं और आप लोग को जो है बताते हैं कि कौन सा प्रशिक्षण आप लोग का होने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं निपुण भारत योजना के तहत शिक्षक होंगे प्रशिक्षित। जागरण संवाददाता पटना। जिले के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 और 2 के बच्चे में मूलभूत साक्षरता की संख्या ज्ञान विकसित करने के लिए विद्यालय के शिक्षक को प्रशिक्षित किया जाएगा। निपुण भारत योजना के तहत जुलाई के अंतिम सप्ताह से जिले के विभिन्न प्रखंडों के शिक्षकों का अलग अलग ग्रुप बनाकर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए अलग से विभिन्न प्रखंडों में शिविर लगाया जाएगा, जिसमें कक्षा 1 और 2 में गणित, हिंदी और अंग्रेजी शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। शिविर में शिक्षकों को पढ़ाने की आसान तरीके बताए जाएंगे। इसके लिए जिला शिक्षा कार्यालय स्तर पर मास्टर ट्रेनरों की सूची तैयार की जा रही है, यानी कि इसी महीने में जुलाई के जुलाई का जो अंतिम सप्ताह है उसमें आप लोग का यह ट्रेनिंग होगा, जिसमें आप जितने भी शिक्षक हैं जो कि वर्ग 1 और 2 के अंतर्गत आते हैं, और अगर आप उसके वर्ग शिक्षक हैं या फिर जो है उसमें पढ़ाते हैं, तो फिर आप लोग का प्रशिक्षण यहाँ पर होने वाला है। और अगर बात करेगा प्राइमरी सेक्शन में, तो प्राइमरी सेक्शन में 1-2 पहले जो 1-2 वाले पढ़ाते हैं उनका होगा, फिर उसके बाद 3-5 वाले का यहाँ पर इसके तहत आप लोग का प्रशिक्षण होगा। इसी के तहत आप लोगों के द्वारा चहक प्रशिक्षण लिया गया था निपुण भारत के ही अंतर्गत, उसी का यह थोड़ा सा बड़ा रूप है और ये जो है FLN प्रशिक्षण के अतिरिक्त है। तो इस वजह से सभी शिक्षकों को तैयार रहना चाहिए। पहले 1-2 वाले शिक्षकों का प्रशिक्षण होगा और उसके बाद 3-5 वाले जितने भी शिक्षक हैं उनका यहाँ पर इसके तहत प्रशिक्षण होगा। और यह जो प्रशिक्षण होगा यहाँ पर एक बहुत बड़ी राहत यह है कि आपके अपने ज़िला के भीतर ही होगा, दूसरे ज़िला में आप लोग को जिस तरह से FLN प्रशिक्षण हुआ है उस तरह का जो है आप लोग को ट्रेनिंग नहीं होगा, बल्कि आपको अपने ज़िला के अंतर्गत ही आपके जो डाइट होंगे, बाइट होंगे या आप लोग के BRC वगैरह में यहाँ पर इससे संबंधित जो है आप लोग का प्रशिक्षण हो सकता है, और उसी पर आधारित आप लोग का जो है पूरा का पूरा प्रक्रिया चलेगा। और मास्टर ट्रेनरों की बात करिएगा तो मास्टर ट्रेनर प्रत्येक प्रखंड से 4-4 यहाँ पे मास्टर ट्रेनर लिए जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर आप लोगों को प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। और ये जो प्रशिक्षण होगा यह बहुत ही असरदार साबित करने की यहाँ पर सरकार की प्लानिंग है। पहले की भांति यह खानापूर्ति नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से SES सिद्धार्थ कार्यान्वयन कर रहे हैं और जिस तरह से प्रशिक्षण और साथ ही साथ बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई उसको जो है यहाँ पे अच्छे ढंग से उनके द्वारा देखा जा रहा है, उसके बाद शिक्षकों के लिए यह प्रशिक्षण लेना अति आवश्यक हो गया है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बिहार के शिक्षकों की प्रशिक्षण की। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अभी बिहार के जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो नियोजित हो, BPSC हो या फिर जो है नियमित शिक्षक हैं, उन सभी ने अभी अभी जो है FLN प्रशिक्षण लगभग सभी शिक्षकों ने ले रखा है। और किन्हीं ने तो 2 बार यहाँ पर ले लिया है अभी तक। प्रशिक्षण की बात करिएगा तो यहाँ पर आप लोग के लिए
एक नए प्रशिक्षण का फिर से ऐलान हो चुका है जो कि FLN के अतिरिक्त होगा। तो हम लोग इस वीडियो में उस प्रशिक्षण के विषय में जानकारी लेंगे और किन शिक्षकों को यह प्रशिक्षण लेना है, पूरे के पूरे 6 लाख शिक्षक इसके तहत आते हैं या नहीं आते हैं, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को इसके विषय में जानकारी मिले। तो चलिए हम लोग अगले स्लाइड में चलते हैं और आप लोग को जो है बताते हैं कि कौन सा प्रशिक्षण आप लोग का होने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं निपुण भारत योजना के तहत शिक्षक होंगे प्रशिक्षित। जागरण संवाददाता पटना। जिले के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 और 2 के बच्चे में मूलभूत साक्षरता की संख्या ज्ञान विकसित करने के लिए विद्यालय के शिक्षक को प्रशिक्षित किया जाएगा। निपुण भारत योजना के तहत जुलाई के अंतिम सप्ताह से जिले के विभिन्न प्रखंडों के शिक्षकों का अलग अलग ग्रुप बनाकर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए अलग से विभिन्न प्रखंडों में शिविर लगाया जाएगा जिसमें कक्षा 1 और 2 में गणित, हिंदी और अंग्रेजी शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। शिविर में शिक्षकों को पढ़ाने की आसान तरीके बताए जाएंगे। इसके लिए जिला शिक्षा कार्यालय स्तर पर मास्टर ट्रेनरों की सूची तैयार की जा रही है, यानी कि इसी महीने में जुलाई के जुलाई का जो अंतिम सप्ताह है उसमें आप लोग का यह ट्रेनिंग होगा जिसमें आप जितने भी शिक्षक हैं जो कि वर्ग 1 और 2 के अंतर्गत आते हैं और अगर आप उसके वर्ग शिक्षक हैं या फिर जो है उसमें पढ़ाते हैं तो फिर आप लोग का प्रशिक्षण यहाँ पर होने वाला है। और अगर बात करेगा प्राइमरी सेक्शन में तो प्राइमरी सेक्शन में 1-2 पहले जो 1-2 वाले पढ़ाते हैं उनका होगा, फिर उसके बाद 3-5 वाले का यहाँ पे इसके तहत आप लोग का प्रशिक्षण होगा। इसी के तहत आप लोगों के द्वारा चाहक प्रशिक्षण लिया गया था निपुण भारत के ही अंतर्गत, उसी का यह थोड़ा सा बड़ा रूप है और ये जो है FLN प्रशिक्षण के अतिरिक्त है। तो इस वजह से सभी शिक्षकों को तैयार रहना चाहिए। पहले 1-2 वाले शिक्षकों का प्रशिक्षण होगा और उसके बाद 3-5 वाले जितने भी शिक्षक हैं उनका यहाँ पर इसके तहत प्रशिक्षण होगा। और यह जो प्रशिक्षण होगा यहाँ पर एक बहुत बड़ी राहत यह है कि आपके अपने ज़िला के भीतर ही होगा, दूसरे ज़िला में आप लोग को जिस तरह से FLN प्रशिक्षण हुआ है उस तरह का जो है आप लोग को ट्रेनिंग नहीं होगा, बल्कि आपको अपने ज़िला के अंतर्गत ही आपके जो डाइट होंगे, बाइट होंगे या आप लोग के BRC वगैरह में यहाँ पर इससे संबंधित जो है आप लोग का प्रशिक्षण हो सकता है और उसी पर आधारित आप लोग का जो है पूरा का पूरा प्रक्रिया चलेगा। और मास्टर ट्रेनरों की बात करिएगा तो मास्टर ट्रेनर प्रत्येक प्रखंड से 4-4 यहाँ पे मास्टर ट्रेनर लिए जा रहे हैं जो कि यहाँ पर आप लोगों को प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। और ये जो प्रशिक्षण होगा यह बहुत ही असरदार साबित करने की यहाँ पर सरकार की प्लानिंग है। पहले की भांति यह खानापूर्ति नहीं होगा क्योंकि जिस तरह से SES सिद्धार्थ कार्यान्वयन कर रहे हैं और जिस तरह से प्रशिक्षण और साथ ही साथ बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई उसको जो है यहाँ पे अच्छे ढंग से उनके द्वारा देखा जा रहा है, उसके बाद शिक्षकों के लिए यह प्रशिक्षण लेना अति आवश्यक हो गया है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।